ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कुंदकेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा में बताए गए दो नए विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को करने से आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। साथ ही में अगर आपके घर में बहुत दरिद्रता होगी तो उसके लिए भी यह उपाय बताया गया है, तो इन दोनों ही उपायों को समझकर आप जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला उपाय आप लोगों की मनोकामना पूर्ति के लिए हम बताने जा रहे हैं। आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे उपाय और व्रत करके देख लिए हैं, तो उसके बाद आप यह उपाय करके देख लीजिए, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। तो सबसे पहला उपाय शमी पत्र का है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर जाना होगा। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं और प्रातःकाल सुबह सुबह आपको सुबह को करना है। मंदिर जाने से पहले आपको शमी पत्र अपने साथ में रख कर ले जाना होगा। साथ ही में आप शिव जी की पूजा अर्चना के लिए एक थाली भी तैयार करके लेकर जाइएगा। साथ ही में एक लोटा जल भी तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस उपाय को आपको तब करना है जब शिव जी की पूरी पूजन अर्चना हो जाए, उनका श्रृंगार हो जाए, उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, जब शिव जी का पूरा श्रृंगार हो जाए तो अपनी सीधे हाथ की हथेली में जो शमी पत्र आप अपने साथ लेकर गए हैं उपाय को करने के लिए, वह अपने हाथ में रख लीजिए। उस शमी पत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली से भगवान शिव जी की जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच आप समर्पित करें। कहने का मतलब यह है कि उस शमी पत्र को आपको जलधारी पर स्पर्श मात्र कराना है। जलधारी पर इस शमी पत्र को स्पर्श कराने के बाद इस शमी पत्र को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को कहते हुए भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए शिव जी पर समर्पित कर देना है। इस उपाय में एक शमी पत्र ही उपयोग होगी, पर इस उपाय को आपको शिव जी की पूरी पूजन अर्चना और श्रृंगार करने के बाद ही करना है। इस उपाय को करने से आपको जो भी मनोकामना होगी भगवान भोलेनाथ उसे जरूर पूरा करेंगे। उपाय को जब आप करें तो मन में पूरा विश्वास और भाव मन से रखते हुए ही करें। दूसरा उपाय दो बेल पत्र और सात शमी पत्र का है। इस उपाय को करने से दरिद्रता दूर होती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दरिद्रता क्या होती है। दोस्तों, दरिद्रता वह चीज होती है जो आपके जीवन में आपको बहुत कष्ट देती है, जैसे कि आपके घर में पैसा नहीं आता है, अब बहुत मेहनत करते हैं पर कुछ मेहनत का फल नहीं मिलता है, आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके की समस्या अगर आपके घर में चल रही है तो आप समझ गए कि आपके घर में दरिद्रता पास कर रही है। तो इस दरिद्रता को दूर करने के लिए आप इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय में आपको दो बेलपत्री और सात शमी पत्र की आवश्यकता होगी और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर जो हम आपको उपाय बता रहे हैं इन सभी उपायों को करते समय मन में विश्वास अवश्य रखिएगा, तभी उपाय काम करेगा आपका। ये इस उपाय को करने के लिए आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ के मंदिर अपनी एक पूजन की थाली तैयार करके एक लोटा जल भर के शिव जी के मंदिर जाना है। साथ ही में दो बेलपत्री और सात शमी पत्र अपने उपाय के लिए भी लेकर जाना है, क्योंकि यह उपाय होने वाला है यह भी आपको तब करना है जब भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और श्रृंगार हो चुका हो, उसके बाद आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, अब आपको अपने हाथ में दो बेलपत्र और सात शमी पत्र अपने साथ में रख लेनी है। सबसे पहले अपनी एक बेलपत्री को निकालें, उस बेलपत्री को निकालकर आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने जलधारी के ऊपर इसे समर्पित करना है
और दूसरी बेलपत्री आपको इस जलाधारी पर चढ़ाई हुई बेलपत्री के विपरीत दिशा मतलब शिवलिंग के पीछे जो जलाधारी का हिस्सा होता है उस स्थान पर आपको दूसरी बेलपत्री समर्पित कर देना है। अब आपके पास 7 समी पत्र जो रखे हुए हैं उन्हें एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। मतलब 2 बेलपत्री वैसे, एक बेलपत्र को अपने भगवान शिव जी के सामने जो जलाधारी होती है वहाँ पर समर्पित करें, दूसरी बेलपत्री को भगवान शिव जी के शिवलिंग के पीछे का जो थोड़ा सा जलाधारी का हिस्सा होता है वहाँ पर समर्पित किया। उसके बाद में जो समी पत्र है उन्हें आपने एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया। दोस्तों, जब आप यह बेलपत्री और समी पत्र भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करें तो उस समय आपको भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप भी जरूर करना है। इन उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी विशेष दिन भी कर सकते हैं, और उपाय को सुबह सुबह के समय करना उत्तम रहेगा। दोस्तों, इन उपायों को करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें अवश्य कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको अवश्य जवाब मिलेगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।